सो गाइज, महाकाल की नगरी में जाने के लिए उतर जाना है उज्जैन जंक्शन पर और फिर एग्जिट ले लेना है रेलवे स्टेशन से। Hey everyone, welcome or welcome back to my another vlog. I hope all you are doing well. So guys, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे महादेव की कृपा से उज्जैन जाने का अवसर मिला है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और ये ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है बिकॉज इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप उज्जैन कैसे जा सकते हैं और उज्जैन पहुँच कर आप कहाँ घूम सकते हैं और क्या बजट रहेगा, जिस ट्रेन में मैं जा रही हूँ उसका क्या कॉस्ट रहेगा और इन सभी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आपको मेरा ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। सो अभी थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको सारे जो भी डाउट्स हैं आपके माइंड में सब क्लियर करूंगी कि आप किस तरह से उज्जैन जा सकते हैं। उज्जैन जाने के लिए पहुंच जाना है अपने घर के नियर रेलवे स्टेशन के पास। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी तो व्लॉग में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मौज मस्ती भी होती रहेगी। चलो भाई लेते जाओ। और एक पापा को लड्डू, अरे वो रख दिया क्या? गाइस, अच्छा पापा की थाली देना, वाला पापा वैसे रात को खाते नहीं बेटा, पापा रात में नहीं खाते, पापा को कम नहीं के लिए। एक हम रखेंगे मोती चूर का लड्डू और ये हमारी स्पेशल थाली तैयार है पापा के लिए। इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहे हैं उज्जैन और ये ट्रेन हमें उतार देगी 15 घंटे में और हम लोग आई गेस 1 बजे कुछ पहुंचेंगे और उसके बाद जाके हम लोग रूम सर्च करेंगे और कुछ आइडिया नहीं है कि रूम के क्या चार्जेस हैं, क्या रेट है, वहाँ जाके देखेंगे। और पहले से तो हमने बुकिंग नहीं करी है बिकॉज ना ऐसा होता है कि वो दिखा देते हैं कि रूम क्लीन है, लाइक अब जब वहाँ जाएंगे तो गंदा मिलता है, तो इस रीज़न से हम लोगों ने पहले बुकिंग नहीं कराई है। अब हम वहाँ जाकर ढूंढेंगे और फिर वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि कितने का रूम है, कैसा रूम है। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं 3rd AC में। अगर मैं बात करती हूँ टिकट की तो यहाँ स्क्रीन पे आपको टिकट के क्या रेट हैं वो शो हो रहे होंगे। मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। ये कैसी हंसी है बाबू? सो गाइस, महाकाल की नगरी में जाने के लिए उतर जाना है उज्जैन जंक्शन पर और फिर एग्जिट ले लेना है रेलवे स्टेशन से। आप लोग जैसे ही एग्जिट होंगे ना तो आपको नज़ारा कुछ इस तरह का दिखेगा। सो यहाँ पे बाहर की साइड ना आप लोगों को बहुत ही आसानी से ऑटो और रिक्शा मिल जाएगा जिसकी कॉस्ट है 20 रुपये पर पर्सन और ये ऑटो आपको सीधा उतारेगा महाकाल के मंदिर में। और हम लोग जहाँ पे ठहरे थे ना उसका नाम था श्री महाकालेश्वर भक्त निवास। काफ़ी रूम्स देखने के बाद हम लोगों ने अपना यहाँ पे रूम सिलेक्ट किया। मंदिर के आसपास ही आप लोगों को रूम्स मिल जाएंगे जिसकी स्टार्टिंग है 300 से, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे रूम्स लेंगे तो वो 800 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास में आपको कई तरह के रूम्स मिल जाएंगे, 4 बेडरूम,
10 बेडरूम, सभी तरह के रूम्स बहुत ही आसानी से मिलेंगे। हमारा जो ये रूम है ना, ये 4 बेडरूम वाला रूम है जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 1500 रुपये। और हाँ, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा बेड लगाना है तो 125 में आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए, फुल एसी रूम है और बहुत ही साफ़ सफाई है, बहुत ही अच्छा रूम है। हम लोग 8 जने थे तो हम लोगों ने 2 रूम लिए जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी 3000 रुपये। इफ़ यू वॉन्ट मोर डिटेल्स देन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोगों को यही होटल बुक कराना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का लिंक भी मिल जाएगा, आप आसानी से जाके बुक कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को रूम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आने वाले व्लॉग्स में और इन्फॉर्मेशन है, और हाँ, बस मारती कैसे बुक करें वो भी बताऊँगी। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।